बिस्मिल्लाहिर्रहमान जी फजल शकूर साहब, शुक्रिया स्पीकर साहब। सर इस तरह है कि जुम्मे के दिन मैडम ने कहा कि 1:20 पे इजलास शुरू है, 1:35 पे इजलास शुरू है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक मेरी अर्ज जरा सुन लीजिए जी। मैं आप मेरी बात के बाद सर, मैं आपसे मुखातिब हूँ सर जी। फजल शकूर सर, सर दो क्रॉस जुमे के दिन ये कह रहे हैं कि नमाज 1:00, मैं जवाब दे रहा हूँ, अगर आप सुन ले तो मैं आप मेरी बात सुन लेना, फिर उसके बाद आप मेरी बात सुन ले। आपकी जी जुमे की नमाज का भी जवाब दे रहा हूँ आपको। जुम्मे से एक दिन पहले जब भी इजलास खत्म हुआ, आपने यहाँ पे ऐलान किया कि 1:30 पे जुमे के दिन होगा। उस वक्त आपने क्यों खड़े होकर नहीं कहा कि यार इस टाइम को चेंज किया जाए? इसी हॉल में आप ऐलान करते हैं रोजाना, वो टाइम आप एक दिन पहले या दो दिन पहले आप अनाउंस कर देते। वो तो रोज ही है, वो तो रोज ही अनाउंस होता है सर। मैं पिछले जुमे की बात करूं, इस जुमे की भी और इससे पिछले जुमे की, इससे पिछले जुमे भी जब मैं, आपने मुझे मौका दिया है, जब मैं यहाँ पे स्पीकर की हैसियत से बैठा हुआ था, मैंने 1:30 इजलास शुरू किया, और पिछली बार भी मैंने 1:30 इजलास शुरू किया। फिर ये कहा जा रहा है कि घंटियां नहीं बजाई गई। आपके पास सर रिकॉर्ड होगा, आप इनको सुनवा दीजिएगा कि घंटियां बजाई गई है कि नहीं बजाई गई। 1:45 पे सर इजलास हमने खत्म किया है। बीबी आप बात सुन लीजिए मेरी, आप उसके बाद आप बात कीजिएगा। तो 1:45 में मैंने खुद इजलास खत्म किया। मैं यहां से तकरीबन गेट बंद हो गई है, इसका मुझे इसका कोई पता नहीं है, मेरा इसके साथ कंसर्न नहीं है। मैंने इजलास खत्म किया है। इजलास में सर मैं आपको बता दूं, अफसोस की बात है, मैं ये नहीं कहता कि मैं वो खुशी से ये बात बता रहा हूं। इजलास में सर यहां पे सिर्फ जिस तरह मैडम ने कहा 3 बंदे थे, 3 बंदों में अगर मैं खुद अगर कोई कोरम की निशानदेही ना भी करता, खुदा की कसम मैं उसको खत्म करता। 3 बंदों में क्या इजलास चलाऊंगा सर? पूरे हाउस के अंदर 3 बंदे थे, पूरे हाउस में एक मैं था और 2 नीचे बैठे हुए थे सर, वो भी हुकूमत वाले बैठे हुए थे। तो ये सर ये मेरी, मैंने आपको पोजीशन वाज़ह कर दी।